तो बेसिकली बेसिकली हम फॉर्मूले स्टार्ट कर रहे हैं। तो फॉर्मूले में हम सबसे पहले दो चीजों पर जिक्र करेंगे। पहला हम बात करेंगे इनबिल्ट फॉर्मूला और दूसरा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की। जैसे मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा के सम कर देता हूँ या फिर हम इसमें प्लस कर देते हैं। तो सम क्या है? सम हमारा इनबिल्ट फंक्शन है। क्या है? इनबिल्ट फंक्शन, ऐसा फॉर्मूला जो कि आपका बना बनाया जिसे अप्लाई करना है। और यहाँ जो आपका है बी वन प्लस सी वन, ये आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर। ओके, ये ऑपरेटर को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। आई थिंक ये चीज मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में बताई थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एमआरपी वर्क क्रिएट करने वाला। यस सर। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है हमारा, मतलब ऐसा ऑपरेशनल ऑपरेटर जो कि आप इसका कैलकुलेशन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल बता तो कहीं आप भूल गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये निकालना है, ग्रोथ निकालना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जैन का सेल है, ये आपका फैब का सेल है। जैन में आपको 55 सेल हुआ है और आपको फैब में जो है 65 सेल हुआ है। तो कितना परसेंट आपने ग्रोथ किया, आगे किया? तो इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लेटेस्ट जो कि फैब है, ओल्डेस्ट जो कि जैन है, उसको डिवाइड कर देते हैं वापस जैन से, और रिजल्ट आपके सामने 18% आ गया। ठीक है, इस तरह की और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर तो आपने सीख लिया कैसे अप्लाई किया जाता है, अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की, कि लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, और यहाँ पे हमारे पास है नॉट इक्वल टू, राइट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास सेल्स है कुछ। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या बात है बताता हूँ आपको, कि मुझे जस्ट पता करना है कि आखिर इसमें कितना सेल हुआ है। हमें पता करना है कि टोटल सेल आखिर हुआ कितना है। ठीक है, अभी चीज को पता करने के लिए आप बोलेंगे सर इफ फॉर्मूला लगाते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ग्रेटर देन 50 आप कर दीजिए, तो 50 वाले जितने भी होंगे वो आपको ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट दे देंगे। तो कहने मतलब कि ये मैथमेटिकल ऑपरेटर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ अप्लाई किया, रिजल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स आता है। लेकिन क्या है कि इसका यूज जनरली हम लोग इफ फॉर्मूले के अंदर करते हैं, कि इफ अगर ए ग्रेटर देन है तो 50 है तो यहाँ पे ओके या पेंडिंग। तो याद रखिएगा कि हम इफ का यूज जो करते हैं ये चेक करने के लिए नहीं करते हैं कि ग्रेटर देन 50 है या नहीं है। हम एक सिंपल से बात करते हैं कि जो ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट आता है उसको अपनी खुद की रिजल्ट जो ट्रू एंड फॉल्स होती है उसमें कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो कहने के मतलब है कि यहाँ जो आपने दिया हुआ है इसके जगह पे हम डायरेक्ट जो है इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए इकट्ठा लिख देते हैं। अब कोई भी फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या होता है? देखिए, वो भी फॉर्मूला आप जब लगाते हैं तो इक्वल से या प्लस से शुरू करते हैं। हालांकि शुरू में माइनस से भी कर सकते हैं, लेकिन माइनस से शुरू नहीं करते क्योंकि रिजल्ट गलत हो जाता है, इसलिए हम प्लस या इक्वल से यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूला का इनिशियल वर्ड लिखिए। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ फॉर्मूला आएगा, एरो कीजिए आप ऊपर नीचे करके सिलेक्ट कीजिए, इफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते यहाँ देखिए फॉर्मूले का जो डेफिनेशन है, उसका जो वर्क है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको दिख रहा है। फिर आप यहाँ पे टैब को प्रेस कीजिए, मैंने यहाँ पे टैब को प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे फॉर्मूला का सिंटैक्स आ गया। अब फॉर्मूला का जो सिंटैक्स है यहाँ पे देखिए, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स दिख रहा है।
मतलब कि इसके अंदर हम तीन इनपुट रखेंगे कि लॉजिकल टेस्ट, मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स या डायरेक्ट, आप इसके अंदर अपना कंडीशन लगा दीजिए। और फिर आप बोलता है कि अगर वैल्यू ट्रू हुआ, मतलब कि यहाँ जो लॉजिकल टेस्ट है अगर ट्रू हुआ तो क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए ओके, अदरवाइज पेंडिंग रिजल्ट आएगा। और एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे मैं यहाँ इफ का फॉर्मूला लगाया तो तीन इनपुट्स हैं जिसमें लॉजिकल टेस्ट तो नॉर्मल है और आप जो ये देख रहे हैं वैल्यू ट्रू, वैल्यू ट्रू जो है स्क्वायर ब्रैकेट में किसमें है, स्क्वायर ब्रैकेट में, राइट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों, देखिए क्या होता है, जो इनपुट होते हैं बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला होता है, तीन तरह के, माफ कीजिए, दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रिक्वायर, दूसरा होता है ऑप्शनल। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा रिक्वायर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट में नहीं है, नॉर्मल है, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं। और जो मतलब कि आप बिना लॉजिकल टेस्ट दिए हुए आप जो है फॉर्मूले से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट जो है रिक्वायर्ड है। अगर मैंने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दे के कॉमा कर दिया, मतलब कि लॉजिकल टेस्ट को हमने कंप्लीट कर दिया, कॉमा इट मीन्स कंप्लीट, अब मैं इसको एंटर मार सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये यहाँ जो आपका है वो आपका वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स जो है वो आपको क्या है, ऑप्शनल। ऑप्शनल और सिर्फ इसमें ही नहीं, आप कोई भी जैसे वी लुकअप ही लगाते हैं तो वी लुकअप में आप देखेंगे कि लुकअप रेंज आपका ऑप्शनल है। आप इसी तरह से सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाते हैं तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में देखिए इंस्टेंस नंबर आपका ऑप्शनल है। सम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं तो सम इफ के फॉर्मूले में भी आप देखेंगे कि सम रेंज आपका ऑप्शनल है, राइट। समझ गए सर। हाँ सर, अब चलिए यस सर, कुछ इफ के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया पूजा और नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया। अब मान लीजिए मैं सबसे पहले इसको शॉर्ट कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट इसलिए किया ताकि जो भी नाम है ना एक जगह पे आ जाए, अजीत आ जाए, देव जगह आ जाए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यूनिक और डुप्लीकेट का सिंबल देना है, मतलब कि पहला अजीत जो है वो यूनिक हो जाए और बाकी जितने अजीत है वो डुप्लीकेट हो जाए। फिर जैसे देव पहला है तो यूनिक हो जाए, बाकी देव जो है वो डुप्लीकेट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और बोलेंगे कि सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल टू है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, ठीक है। यहां से देखिए मैं क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हमने यहाँ लगाया कि इफ सामने वाली वैल्यू इक्वल है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो यहाँ पे आना चाहिए डी, अदरवाइज आना चाहिए यू, और फिर इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो अभी अजीत और नेम देखिए बराबर नहीं है इसलिए यू आ रहा है, लेकिन जैसे नीचे ड्रैग करते हैं यहाँ पे देखिए अजीत और अजीत दोनों बराबर है इसलिए डी आ गया, और यहाँ पे देखिए अजीत और देव दोनों आपस में बराबर है तो यहाँ पे यू आ गया। समझ गए विदाउट यस सर, इसमें, नो नो सर, अब इसी में अगर मान लीजिए कि मुझे करना हो सिक्वेंस देना हो कि 1 2 3 4 5 ऐसे सिक्वेंस आ जाए, तो सेम यहाँ पे इसका लगाएंगे कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है तो ऊपर वाली वैल्यू में +1 कर दो, अदरवाइज 1 से शुरू करो। नीचे तब ड्रैग कीजिए, आ गया। अब सीरियल नंबर की बात हो रही है तो मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे मैं यहाँ पे एक डेटा टाइप करने जा रहा हूँ, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस वेड्रेस और भी बहुत सारी चीजें होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 देता हूँ और यहाँ पे सीरियल नंबर हमने पूजा लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे 2 दिया और यहाँ पे फिर मैंने ओम लिख दिया। मैं चाहता हूँ ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ सामने वाली वैल्यू
अगर ग्रेटर देन जीरो है। अब ग्रेटर देन जीरो क्यों किया, क्योंकि जो ब्लैंक सेल होते हैं उसको जो जी मतलब जो ब्लैंक कुछ नहीं है उसको एक्सेल जीरो मानता है। आप कुछ टाइप कर दिए इट मीन जीरो फिल हो गया, तो ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या करे, ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दे, अदरवाइज ब्लैंक कर दे, ठीक है। और फिर इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पे ओम की जगह पे यहाँ पे मैंने मान लीजिए इंद्र डाला, यहाँ पे मैं उदय डाला, यहाँ कविता डाला, मोहन डाला, तो देखिए यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। पर इसे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे मैं यहाँ पे उदय डाल दूंगा ना तो देखिए वैल्यू आ जाएगा। अब आपको जो बोलिए ये वन है जो लिखना पड़ेगा या फिर इसका भी कोई अल्टरनेटिव लिखना पड़ेगा सर आपको। ओके सर, ठीक है। अब सीरियल नंबर में एक बात करें कि मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर जो मैं लिखूं कि टॉप फाइव, तो वन से लेकर फाइव तक जो है ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जनरेट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो मैंने यहाँ पे मैनुअली वन लिखा और इफ का कंडीशन लगाया कि इसमें अगर प्लस वन करूं तो ग्रेटर देन फाइव है तो यहाँ पे ब्लैंक आए, अदरवाइज इसमें प्लस वन कर दे। अब नीचे ड्रैग करने से पहले जो फाइव हमने दिया है उसको फ्रीज करना होगा, तब होगा के थ्री के फोर के फाइव करता रहेगा, ठीक है। यस सर। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ एरर आया, इस एरर को दूर करने के लिए हमने क्या किया, इस एरर का फॉर्मूला लगा दिया, समझे। यस सर। और नीचे की तरफ मैं इसको ड्रैग कर, अब यहाँ पे मैं 10 लिखूं तो 10 आएगा, 7 लिखूं तो 7 आएगा। अब मैं चाहता हूँ स्टार्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं जो बोलूँ वहां से स्टार्ट हो, 5 टू 10 चले, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैनुअल 1 लिखे हो ना इस पे 5 को लिंक कर दो, समझ गए सर। यस सर। अब आपको यहाँ पे काम है ढूंढना है कि भाई यहाँ हमने जो अभी किया था तो ब्लैंक क्यों आया, एरर क्यों आया और यहाँ एरर क्यों आया। इसका सलूशन तो इफ एरर है, पर इसका सलूशन क्या है कि क्या फॉर्मूला लगाऊं ताकि अगर ब्लैंक हो तो एरर ना आए, तो यहाँ पे सेवन तक की नंबर को कंटिन्यू कर, क्योंकि अगर मैं यहाँ इफ एरर लगा दूंगा तो फिर ब्लैंक हो जाएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा सर, ठीक है। ठीक है सर, ये रिसर्च कीजिए और करके मुझे आज आप लोग भेजिए।